ये क्या हो गया? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी हम लोगों ने ड्रॉ कर दिए एट एनफील्ड, एट फ्रिकिंग एनफील्ड। हाउ द हेल डिड वी मैनेज टू पुल दिस ऑफ भाई? हर तरफ से मुझे भी उम्मीद थी कि आज तो खत्म हो जाएगी मैन यूनाइटेड भाई, आज पड़ेगा कोई 10-15। बहुत वैसे खैर ज्यादा ही अनरियलिस्टिक हो जाता है, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई भारी गोल्स तो पड़ेंगे पड़ेंगे। मेरे दिल में जो प्रेडिक्शन थी ना, इट वाज लाइक 2-0 हमें कम से कम पड़ जाएगा। लेकिन ड्रॉ, ड्रैगिंग आउट दिस मैच, खासतौर पर वट बुलशिट हैपेंड विद अस, तो भाई वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्टार्टिंग लाइनअप था, और फिर जो लिवरपूल ने डिसमेंटल तो किया ही है, ऑब्वियसली घुस के रखा, घुस के फटे हुए थे वो हमारे डिफेंस में, लेकिन हैट्स ऑफ टू आर डिफेंस, हैट्स ऑफ टू आर मिडफील्ड जिन्होंने आज हमें बचा के रखा। तो भाई स्टार्ट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विद देयर लाइनअप जो था, हॉयलैंड एट अप फ्रंट, लेफ्ट विंग पे गर्नाचो, राइट विंग पे एंटनी, कैम पे मैकटोमिने, एंड टेन हाग डिसाइडेड टू मेक हिम अ कैप्टन। भाई क्यों, और कोई नहीं पड़ा हुआ, लोग शौक का बना देते, ही सो एक्सपीरियंस्ड, खिला रहे हो तो उसको बना दो, बनाने को तो मैं वरान को बना दूं, लेकिन मैं मैकटोमिने को कभी भी ना बनाऊं। दैट वाज द शिटीएस्ट डिसीजन आई थिंक टेन हाग टुक फॉर टुनाइट। लेकिन उसके अलावा स्टार्टिंग कोबी माइन्यू एंड अमराबाद ऑब्वियसली मजबूरी थी, लेकिन आई हैव बिन वेटिंग फॉर दिस, क्योंकि हम लोग हमेशा ये करते रहे। हम लोग पहले कैसे मेरो को आइसोलेट करते रहे थे मैकटोमिने के साथ, और आगे अप फ्रंट पे ब्रूनो, कैसे मेरो वॉज लेफ्ट अलोन। अमराबाद के साथ भी ये हो चुका है, जब ब्रूनो और मैकटोमिने खेलते हैं दैट हैपेंस विद अमराबाद। लेकिन मैं स्टार्टिंग से वेट करूं कि हम लोग माइनू को खिलाएं, और आज हमें उसकी वजह से जो हमारे मिड में चांसेस, जो हाफ स्पेसेस वगैरह बचानी होती हैं, उधर से जो चांसेस को कंटेन करने की बात आती है, वो फिर यही होता है जब हमारे पास दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स इसी तरह खेलें। उसके बाद भाई राइट बैक पे डियोगो डालो, विच आई थिंक अगेन वॉज नॉट द बेस्ट डिसीजन, बिकॉज डिफेंसिवली वान बिसाका इज जस्ट सुपीरियर फॉर मी, एंड आई थिंक ही इज अ बेटर प्लेयर ओवरऑल। सेंटर बैक पे अनफॉर्चुनेटली जॉनी एवेंस, और भाई हम लोगों ने नील ड्रॉ किया है तो किया है एवेंस को खिलाते हुए, किया है एवेंस को, 35 साल का बंदा है वो यार। फिर उसके बाद उसके साथ में राफेल वरान, थैंक गॉड ही इज फाइनली बैक इन टू आवर स्टार्टिंग 11। लेफ्ट बैक पे लूक शॉ, भाई ऑब्वियसली सिंस द बिगिनिंग ऑफ द गेम, आज मैं ब्रेक डाउन क्या करूंगा भाई टैक्टिक्स को, वी हैड ओनली वन टैक्टिक, टैक्टिक सिर्फ हमारी टैक्टिक यही थी कि भाई किसी भी तरह स्टॉप द फुकिंग गोल्स, किसी भी तरह शॉर्ट आई ब्लॉक करो, शॉर्ट आई ब्लॉक करो, जान दे दो, गोल ना दो आज, क्योंकि हम लोग मारने से तो रहे भाई, कभी भी ना पड़े। रास्मस हॉयलैंड आज भी बेचारा मरता रह गया भाई, पूरे प्रीमियर लीग सीजन से उसका यही किस्सा चल रहा है, बहुत देने खिलाई जाती है, फ्यूएस्ट बॉल्स प्लेड टू रास्मस हॉयलैंड, जो भी किसी टीम का स्ट्राइकर है ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड की फ्यूएस्ट चांसेस मेड फॉर अ स्ट्राइकर है इस सीजन में इन प्रीमियर लीग। दैट इज हॉरेंडस थिंग, स्पेशली जब आप एक नए ब्लड को ला रहे हो एंड ही इज एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ पैशन कि वो गोल मारे किसी तरह, फिर भी यही होता है। पूरा टाइम लिवरपूल घुस के रही थी हमारे बॉक्स में, लेकिन हम लोगों ने किसी तरह कंटेन किया। वरान मेड सम ब्रिलियंट टैकल्स एंड इंटरसेप्शंस, सलाह को रोकना एंड एवरीथिंग, दैट वाज अमेजिंग। इवन लूक शॉ रियली पुल्ड ऑफ सम ब्रिलियंट इंटरसेप्शंस अलोंग विद जॉनी एवेंस, क्योंकि भाई मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ जॉनी एवेंस को, लेकिन भाई अब बहुत बुढ़ा हो गया भाई, येट ही गेव हिज बेस्ट, और हम लोगों ने आज ड्रॉ किया। डियोगो डालो ने एक दो जगह पे लुइस डियाज को बड़े अच्छे तरीके से कंटेन किया था, क्योंकि लिवरपूल ने तो हमें खत्म करके रखा हुआ था भाई, ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं थी हमारे पास, वी हैड नो स्पेस टू ब्रीद एट ऑल, पास तो दूर की बात है, सांस नहीं लेने दे रहे थे ये बंदे हमें। वो उधर से सलाह और नूनियस चढ़ जाते हैं मिडफील्ड से, फिर वो ग्रेवन बर्च आ रहा होता है, शोबजलाई आ रहा होता है, भाई खत्म करके रखा हुआ था, लुइस डियाज भी आ रहा होता है, तकरीबन 4 प्लेयर्स तो बार बार प्रेस करके रखे हुए थे, खासतौर पे जब हमारी मिडफील्ड में एक ऐसा प्लेयर हो जो बॉल को कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, जीरो टेक्निकल एबिलिटीज को लेके बैठा हो, फिर तो ऐसा ही होगा, क्योंकि मैकटोमिने, आई फकिंग हेट दैट बास्टर्ड, कोई बंदा है ये, क्योंकि इस बंदे से आज कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई डिफेंस में खास हरकत की होगी, ना अटैक में, ना कोई एक पास खिलाने में, ये एक सिंपल काम हर कोई करता है, फर्स्ट टच नहीं है इस बंदे का, कंट्रोल नहीं है, नथिंग, ही इज नॉट अ फकिंग फुटबॉलर फॉर मी नाउ। नाउ क्या, बस इसको इसीलिए रखा हुआ होता है क्योंकि ये गोल स्कोरिंग थ्रेट होता है भाई, भाड़ में जाए, निकालो इस बंदे को, हैनिबल को पता नहीं घंटा पहले ले आना चाहिए था भाई, टेन हाग को, नंबर 10 वो बहुत बेहतर खेल लेता इस बंदे से, बहुत बेहतर खेल लेता। आई वॉज मिसिंग ब्रूनो फर्नांडिस सो मच टुनाइट। उसके अलावा भैया बात कर लेते हैं फाइनल मिनट्स में, जो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई यूनाइटेड को हरवाना ही करवाना है, हरवाना ही हरवाना है, माइकल ऑलिवर किसी टी का बच्चा ना हो तो। पहली बात कर लेते हैं भाई, जो हैनिबल पर टैकल किया गया था भाई, हैनिबल को गिराया गैक्पो ने,
कोई परवाह नहीं, कोनाटे बॉल लेके भाग रहा है। मैं कहता हूँ लूक शॉ मेरी जान, जो आगे से उसने तोड़ा था ना फिर कोनाटे को कि फक ऑफ, गेट द फक आउट ऑफ हियर भाई, उसको तुम लोग कुछ नहीं कह रहे। लूक शॉ को वो येलो कार्ड दिया, मैंने कहा लव यू हो गया, ऐसे और टैकल्स मार, घुस जा इनके अंदर। ऐसे बेगैरत के बच्चे हैं ना ये ऑफिशियल्स। फिर उसके बाद भाई आ जाते वो रैशफर्ड का टैकल, रैशफर्ड बॉल पे गए पहले लेकिन फिर भी सीधा येलो कार्ड और इतने घटिया पोजिशन पे सेट पीस दे दी थी कि इट कुड हैव बीन रियल डेंजरस। फिर उसके बाद भाई 90th मिनट पे डियोगो डालो साहब को वो कह रहे हैं दफा हो जाओ आप क्योंकि आपने ड्रामा लगाया है, आपने आरआर किया है। तो भाई और क्या करे, बंदे के कभी कभार इमोशंस जाग जाते हैं। अजीब बकवास है, इस पे आप रेड कार्ड दे दोगे। पूरा पूरा एजेंडा था कि भाई किसी तरह हरवा के ही भेजना है यूनाइटेड को। नहीं भाई, थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है हमारी, थोड़ी बहुत इज्जत है, रखेंगे हम इतनी इज्जत। उसके अलावा भाई यही है, हम लोगों के चांसेस जो बने थे दे वर गोना बी ऑन मोस्ट ऑफ द काउंटर अटैक्स। हम लोगों ने जो हूफ बॉल करनी थी उसी पे हमारे चांसेस निकलने थे, और हमारे दो तीन दफा काफी काफी अच्छे चांसेस निकले विच कुड हैव बीन अ गोल। इनमें से कोई एक हो सकता था गोल, हो सकता था। फर्स्ट ऑफ ऑल गर्नाचो विद दैट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ द गोल, ट्रेंट वाज ऑब्वियसली गुड टू डिफेंड द बॉल देयर, लेकिन फिर भी इट कुड हैव बीन इजिली अ गोल। उसके अलावा रैस्मस हॉयलैंड गेटिंग दैट वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ड्रीम होता ना भाइयों अगर रैस्मस हॉयलैंड अपना पहला गोल प्रीमियर लीग का लिवरपूल के अगेंस्ट इसमें मार के हमें जितवा देता। सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज जो हमें जितवा सकती थी मैच, लेकिन नेवरदलेस अ ड्रॉ इज नथिंग लेस देन अ विन फॉर मी टुनाइट। लव्ड इट, लव दीज लैड्स, माइन्यू का पैशन। अकेले इस बंदे ने मिडफील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अमराबाद डिड प्ले, मैं कहता हूँ इसने एक बैलेंस परफॉर्मेंस दी है। ऑब्वियसली एक सपोर्टिंग रोल था अलॉन्ग साइड कोबी माइन्यू, लेकिन माइन्यू डिड अ लॉट ऑफ वर्क। अमराबाद वॉज जस्ट अ लिटिल स्लॉपी, अगर वो इस चीज़ पे इम्प्रूव करे ही कुड बी रियली गुड। आई वॉज ऑल्सो रियली मिसिंग फ्रेंड, लेकिन नेवर द लेस लव दिस रिजल्ट गाइज, लव यू रेड्स, और इंशाल्लाह गुड लक फॉर योर नेक्स्ट मैच। अच्छा परफॉर्म करना है और इंशाल्लाह जीतना है अब। Let's go, Reds.